नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में महाराष्ट्र इंडिया में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का केड़कर हॉस्पिटल है जो हम चलाते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ब्लैक मैजिक या काला जादू। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो और रिलेटिव्स हैं जो हमारे पास आते हैं और हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर काला जादू छा गया है, किसी ने करनी कर दी है, कोई बाबा ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, किसी की नज़र लग गई है। ऐसे अलग 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 प्रकार के रिलेटिव्स और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जब हम बात करते हैं पेशेंट से तो हमको ये ध्यान में आता है कि पेशेंट को मानसिक बीमारी हुई है। हम साइंस बिलीव करते हैं, हम जो रैशनल थॉट्स है उसमें बिलीव करते हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि हम काला जादू या किसी ने करनी कर दी है या किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है या किसी की बुरी नज़र लग गई है, इस पर हम बिलीव करते नहीं। होता क्या है, जो हमें दिखता है उसको हम बिलीव करते हैं। पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि इस पर काला जादू हुआ है, पर एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। दुनिया में कोई भी प्रकार की काला जादू, कोई प्रकार का काला जादू या निगेटिव थाट्स या करनी, ऐसा साइंस मानता नहीं और दुनिया में ऐसे कोई इसका पुरावा या प्रूफ भी नहीं है। होता क्या है, ये जो पेशेंट्स जो रिलेटिव्स है ये पेशेंट्स को लेके जाते हैं बाबा के यहाँ, अलग अलग पीर के यहाँ, सैलानी जी के यहाँ। तो वो सैलानी और बाबा कुछ मंत्र पुकारते हैं, कुछ मंत्र उच्चारते हैं और वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन ये ठीक होना है ये बहुत ही टेम्पररी फिनोमिनन है। होता क्या है, ये जो बाबा लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, हमारी ही साइकेट्री की दवाइयाँ देते हैं, या पनिशमेंट देते हैं, मतलब मारते हैं, चेन से बांध के रखते हैं, या पेशेंट को हिप्नोटाइज करते हैं उनके अलग तरीके में, इसलिए पेशेंट टेम्पररी ठीक हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह इलीगल है और गलत है। पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि बाबा ने या पीर ने या फकीर ने पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर दिया, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वो पेशेंट के ऊपर काला जादू है। पर रियलिटी में वो जो बाबा लोग हैं वो साइकेट्री यूज करके ही पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि जब भी हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट के ऊपर काला जादू हुआ है या किसी ने कुछ करनी कर दी है या किसी के ऊपर बुरी नज़र लग गई है, तो पेशेंट ने तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और जो बाबा लोग हैं, भोंदू लोग हैं, सैलानी लोग हैं, इनके पास न जाते हुए डॉक्टर के पास आकर कंसल्टेशन लेना चाहिए। अगर आप पहले जो इम्पोर्टेंट फेज है बीमारी की बात का, जो इम्पोर्टेंट फेज है, अगर आप उस वक्त बाबा के पास जाते हैं, फकीर के पास जाते हैं, तो होता क्या है, पेशेंट टेम्पररली ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये बीमारी वापस आती है तो डबल रेट से और डबल स्पीड से ये बीमारी आती है। इसीलिए जब कोई बोलता है कि काला जादू हो गया या किसी की करनी लग गई, तो सबसे पहले आपने साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि वो ये पेशेंट को अच्छी से डील कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बीमारियां जैसे स्किजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, मेनिया है, एंग्जाइटी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, ऐसे अलग 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 प्रकार की बीमारियां हैं साइकेट्री में, जो जिनको अगर हुई तो ऐसा लगता है कि काला जादू वो पेशेंट को हुआ है। लेकिन एक्चुअली में ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है जो मेंदू में केमिकल्स खराब होने के कारण ये बीमारी होती है। अगर आप ये पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब हमारे पास लाते हैं, तो हम ये पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देकर, मतलब जो हमारे ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो देकर पेशेंट को ECT, अगर जरूरत पड़े तो ECT या इंजेक्शन देकर और पेशेंट का काउंसिलिंग करके हम ये पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। ये पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है अगर ये पेशेंट के अच्छे से ट्रीटमेंट किया तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने एज अ यूट्यूब वॉचर आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्लैक मैजिक को, अगर काले जादू को या करनी को अगर प्रमोट करता है, तो उसकी बात न माने और तुरंत आप ऐसे पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आए और अपनी ट्रीटमेंट अच्छे से कराए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। धन्यवाद।